आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट दीदारगंज से। विकास खंड मार्टिनगंज के गंभीरी गांव में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर सफाई बनाए रखने हेतु ग्राम प्रधान सूर्यभान राजभर ने अपने तरफ से अथक प्रयास किए। उन्होंने 150 ग्रामीणों को हाथ धोने के लिए साबुन तथा 115 लोगों को मास्क वितरण किया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शंकुतला देवी तथा आशा किरण शांति देवी भी मौजूद रही। इसी कार्यक्रम में मार्टिनगंज विकास खंड पकरौल गांव के पूर्व प्रधान सर्वजीत गौतम के सौजन से 25 लोगों को हाथ धुलने के लिए साबुन तथा 50 लोगों को मास्क वितरण किया गया। मास्क वितरण करने में बीके सिंह, जेपी यादव तथा गया प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, अब हिंदुस्तान खुलकर बोलेगा। ये तस्वीरें हम दीदारगंज की दिखा रहे हैं, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाजारों में, गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना को मात देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन से लेकर देश की जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए सभी ने कमर कस लिया है। अब समय है भारत की जीत का, कोरोना को देश के बाहर भगाने का। अब वक्त आ चुका है, कोरोना अब रुकेगा नहीं, यहाँ से भागेगा। हर कोई चाहता है कि कोरोना यहाँ से जाए। आप देख रहे हैं डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह की रिपोर्ट दीदारगंज से। आप बने रहिए जीजीएस न्यूज़ 24 के साथ। जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।